भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके शांता कुमारा श्रीसंत यानी कि एच श्रीसंत का आजीवन प्रतिबंध घटाकर अब 7 साल का कर दिया गया है। प्रतिबंध हटने के बाद श्रीसंत ने कहा है कि अगर उन्हें दोबारा राष्ट्रीय टीम में मौका मिलता है तो उनकी कोशिश टेस्ट में 100 विकेट का आंकड़ा पार करने की होगी। बीसीसीआई के लोकपाल डीके जैन ने उनके आजीवन प्रतिबंध को हटाने के आदेश दिए थे। श्रीसंत इस बात से काफ़ी खुश हैं। लोकपाल ने श्रीसंत पर फैसला सर्वोच्च अदालत द्वारा दिए गए आदेश के बाद दिया है। अदालत ने जैन से कहा था कि वो श्रीसंत की सज़ा तय करें। श्रीसंत पर आईपीएल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था। जैन ने मंगलवार को फैसला किया कि श्रीसंत का प्रतिबंध 12 सितंबर 2020 तक रहेगा। प्रतिबंध हटने के बाद श्रीसंत ने यह भी कहा कि जो मैंने आज सुना उस बात से मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं अपने सभी शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। उनकी दुआ कबूल हो गई। मैं अब 36 साल का हूँ और अगले साल 37 साल का हो जाऊँगा। मेरे अभी टेस्ट में 87 विकेट हैं और मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने करियर का अंत 100 टेस्ट विकेटों के साथ करूं। मैं आश्वस्त हूं कि मैं भारत की टेस्ट टीम में वापसी कर सकता हूं। मैं हमेशा से विराट कोहली की कप्तानी में खेलना चाहता था। श्रीसंत केरल के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने भारत के लिए 27 टेस्ट मैचों में 87 विकेट छटके हैं। वहीं 53 वनडे मैचों में उनके नाम 75 विकेट हैं और 10 T20 मैचों में वो 7 विकेट ले चुके हैं। श्रीसंत भारत की उस टीम का हिस्सा थे जिसने 2007 में T20 और 2011 में वनडे विश्व कप जीता था। यानी कि अब श्रीसंत की सीधी सीधी अपील विराट कोहली से है कि अब आप मुझे मौका दीजिए ताकि मैं अपने 100 विकेट का सपना पूरा कर सकूं। ANP न्यूज़ रूम से सुरजीत की रिपोर्ट।